नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह नाम है सर का। और सर इस समय आप क्या खा रहे हैं? चिली पोटैटो। चिली पोटैटो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे चिली पोटैटो यहाँ पर आपको टेस्टी है, मतलब रिव्यूज़ क्या हैं आपके? काफ़ी टेस्टी है, स्पाइसी भी है और पहले से काफ़ी बेटर टेस्ट हो गया इसका। जी सर, और यहाँ पर आप कितने टाइम से आ रहे हैं सर? आपको लगभग अभी फोर टाइम आया हूँ मैं इसमें। या फोर टाइम्स हो गए? फोर टाइम। आपको सर कितना टाइम हो गया? पाँच छः महीने। और आप यहाँ पर आते हैं तो स्पेशली ज़्यादा ज़्यादा क्या खाने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या खाते हैं रिमांडली? चिली पोटैटो, चाउमीन और खाना इनका बहुत अच्छा है। जी थैंक यू सर, आप लोगों का रिव्यू देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारा बरेली चैनल में। और इस समय जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये के हॉस्पिटल वाली रोड है जो कि राजेंद्र नगर में आती है। इस रोड के आगे ही जाते हैं आपको डेलापीर वाली रोड मिल जाती है। इस रोड पे हम जो खड़े हुए हैं वो हम कह सकते हैं मार्शमैलो रेस्ट्रो एंड कैफ़े है ये। आज हम इस वीडियो में हम इसी का ही रिव्यूज़ देने वाले हैं और देखते हैं ये अंदर से कैसा है और इसकी फ़ूड क्वालिटी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारी जो वीडियो का जो रिव्यूज़ होगा वो इसी को ही कैफ़े को लेकर होगा। ये आप कह सकते हैं दिस इज़ रिसेप्शन, ये इस रेस्ट्रो एंड कैफ़े का रिसेप्शन है। और आगे और अभी हम दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं सामने जो पेप्सी के कैन की तरह जो डिज़ाइन बनाया गया है और हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे पेप्सी के कैन की ही डिज़ाइंस बनाई गई हैं। बाकी पीछे भी आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप मतलब कितनी यूनिक डिज़ाइन लग रही है पेप्सी की कैन के। बाकी मैं और भी दिखाता हूँ, वॉल या वॉल देख सकते हैं कितने मतलब आर्ट से देख सकते हैं क्रिएटिविटी की गई है यहाँ पर। और ये जो आप देख सकते हैं मार्शमैलो मेमोरीज, यहाँ पर आप जैसे एक हम कह सकते हैं सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर आप सेल्फी खींच कर अपने फ़ोन में मेमोरी भर सकते हैं। ये तो कोई मजाक की बात, यहाँ पे आप सेल्फी खींचिए और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करिए और मेमोरीज। और बाकी मैंने आपको मतलब दिखा दिया यहाँ पे कितना यूनिक सा है, आप खुद देख सकते हैं एक एक चीज़ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं। बाकी हम आप भी और भी दिखाते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कितने मतलब यूनिक तरीके से फ़र्श। आप बुक्स देख सकते हैं कितनी ओल्ड बुक्स हैं यहाँ पर, मतलब कलेक्शन यहाँ पर बुक्स का लगा रखा है यहाँ पर। बाकी तो और भी आप देख सकते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब यहाँ पर बैठकर पूरा आपको लगता है कि मतलब हॉलीवुड में आप आ चुके हैं। और ये जो डेकोरेटर देख रहे हैं आप पूरा कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर, मार्शमैलो का स्टैचू, अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो आप प्लीज़ मेरे ये जो वीडियो है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, इसका रिव्यू आप मेरे कमेंट्स में भी दे सकते हैं, वैसे तो मैं आपको बता ही दूँगा। बाकी एक बात और मैं बता दूँ, सैटरडे और संडे को यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं यहाँ पर, जो कि आप सामने स्टेज देख रहे हैं। आज जो वीडियो हमने शूट किए ये संडे और सैटरडे को नहीं शूट किया, इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है। बाकी अगर आपको ये देखना है तो आप संडे और सैटरडे को विज़िट करें। बाकी अब मैं आपको छोटी छोटी यूनिक सी चीज़ें दिखाता हूँ क्योंकि ये ही दिल को रुबाती हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें ही दिल को सेटिस्फाइड करती हैं डेकोरेटेड में। और ये आप देख सकते हैं कितना यूनिक सा है।
ये जो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ये है क्या असल में, ये आप देखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो अच्छे से डेकोरेट होने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाद में डेकोरेट होने के बाद छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो लुभाती हैं, आप देख सकते हैं खुद। ये देख लीजिए, अगर आपकी मतलब गैदरिंग 20 से 25 लोगों की गैदरिंग है तो यहाँ पर आपको ये प्राइवेट भी दे रखा है, यहाँ पर आप मतलब प्राइवेट कह सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेट गैदरिंग आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी हम चलते हैं पुराने अड्डे पे, और पुराने अड्डे का मतलब है मेन पॉइंट जो हमारा यहाँ का फोकस होता है वो होता है खाना, खाना कैसा है। तो अब वहीं आए हुए हैं और एक बार और मैं यहाँ की लाइट जला, बाकी तो आपने पूरा देख ही लिया, यहाँ पर लाइक अ रिजॉर्ट फील। अगर आपको रिजॉर्ट की फील लेनी है बरेली में तो आप मार्शमैलो आ सकते हैं। हमें भी यहाँ पर लगा था कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर मतलब इसके बाद और कुछ नहीं है, ये बंद है मतलब यहाँ से। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है वो छुपा रुस्तम कह सकते हैं मार्शमैलो का, और यहाँ पर जो व्यूज़ है वो पहाड़ के मुकाबले कई गुना ज़्यादा अच्छा है, वो आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये खुद दर्शकों का कहना है। ये जो आप देख रहे हैं पार्टी वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ये जो बार देख रहे हैं ये नॉन अल्कोहलिक बार है, 0% अल्कोहल यहाँ पर मिलती, कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ के अलावा 0% अल्कोहल। और इस समय जो हम बैठे हुए हैं वो मार्शमैलो रेस्टोरेंट कैफ़े में हम बैठे हुए हैं, और जो हमारे सामने सीनियर कैप्टन सर बैठे हुए हैं, सर आप अपना नाम बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? सर मेरा नाम हर्षित है, हर्षित काम करता हूँ ऐसा सीनियर कैप्टन। यहाँ पर कितना टाइम हो गया सर आपको? मुझे यहाँ पर 2 साल होने जा रहे हैं। और सर ये कितना पुराना है मार्शमैलो? मार्शमैलो के लिए अभी काफ़ी टाइम होने जा रहा है, 2 साल होने जा रहे हैं ओपनिंग को भी, इसके 2 साल हो गए हैं। जी सर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर गेस्ट क्यों आता है आपके पास ही क्यों आता है? क्योंकि हम उसे ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं यहाँ आने पर, इसलिए। एग्जाम्पल? फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा फूड और अच्छी मतलब अच्छा एम्बियंस और हर चीज़ में हर अच्छी सर्विस। यस, इसीलिए ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए हमारे पास गेस्ट आता है। देखा जाए तो हाइजीन का तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखा गया है, और बाकी सर बता रहे हैं सर्विस इनकी अच्छी है, और एनवायरनमेंट भी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा है, लुक भी अच्छा है अंदर से। और सर आप बता सकते हैं कुछ हमारे दर्शकों को? फूड भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल मेन्यू में, तंदूरी है, चाइनीज़ है, इंडियन है, और पॉइंटी भी है, आप उसमें चाहें जो चाहें वो ट्राई भी कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा फूड है, काफ़ी स्पेशल डिशेज भी हैं। जी, और देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी है, इतना कुछ हाई रेट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दूसरे रेस्टोरेंट्स को देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेट्स हाई रहते हैं उनके मेन्यू के, और यहाँ पर इतना। यहाँ पर हमें एक गेस्ट मिल गए हैं, वो यहाँ पर कुछ स्टार्टर्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम यहाँ का मार्शमैलो जो रेस्टोरेंट है हम यहाँ पर उनके रिव्यूज़ पूछते हैं कि यहाँ पर उनको कैसा लगता है, यहाँ पर फील क्या होता है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है सर? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह नाम है सर का, और सर इस समय आप क्या खा रहे हैं? चिली पोटैटो। चिली पोटैटो, सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे चिली पोटैटो यहाँ पर आपको टेस्टी है, मतलब रिव्यूज़ क्या है आपके? काफ़ी टेस्टी है, स्पाइसी भी है, और पहले से काफ़ी बेटर टेस्ट हो गया सर। जी सर, और यहाँ पर आप कितने टाइम से आ रहे हैं सर?
को लगभग अभी फोर टाइम आया होगा इसमें, या फोर टाइम्स हो गए। और ये सज्जन को भी फोर टाइम्स होगा लगभग जी। आपको सर कितना टाइम हो गया? पाँच छः महीने। और आप यहाँ पर आते हैं तो स्पेशली ज़्यादा ज़्यादा क्या खाने की कोशिश करते हैं, मतलब क्या खाते हैं रिमाइंडली? चिली पटेटो, चाउमीन और खाना इनका बहुत अच्छा है जी। थैंक यू सर आप लोगों का रिव्यू देने के लिए। इस रेस्टोर का मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ, मेन्यू में क्या 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 आइटम है और किन के क्या क्या रेट है इसके। ये आप देख सकते हैं और हमने जो सिलेक्ट किया है वो हमने वेज मैगी सिलेक्ट किया है। फर्स्ट राउंड वेज मैगी का करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। बाकी मैं इसमें दिखा दूं बहुत सारे आइटम्स हैं इनके स्टार्टर्स में। पिज़्ज़ास मिल जाएगा आपको, सूप्स मिल जाएंगे और चाइनीज़ स्टार्टर्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी आपको नूडल्स भी मिल जाएंगे, राइस मिल जाएंगे आपको। बाकी आपको यहाँ पे वेज तंदूरी स्टार्टर्स भी मिल जाएंगे, नॉन वेज तंदूरी स्टार्टर्स भी मिल जाएंगे आपको। ये मेन कोर्स आप देख सकते हैं और ये जो आप देख रहे हैं नॉन मेन कोर्स। ब्रेड्स में आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं ब्रेड, प्लेन बटर रोटी, तंदूरी नान, बाकी सबके रेट लिखे हुए हैं। और ये रायता लास्ट में। और मैं आपको बता दूं ये जो सारे आइटम हैं इस पर जो आपको 5% टैक्स लगता है विद इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आपको इस पर ही टैक्स अलग से पे करना होता है। और बाकी हमने जो सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट राउंड है मैगी का, और देखते हैं मैगी का यहाँ पर फ्लेवर क्या है। देख सकते हैं वो वेज नॉन वेज फ्राइड राइस यहाँ पर आ चुका है और मैं दिखा दूँ यहाँ पर नॉन वेज के क्यूब्स। और ये जो आप देख रहे हैं ये नॉन वेज के क्यूब्स हैं यहाँ पर, और हम इसे ट्राई करने वाले हैं और हम इसको आपको बताएंगे इसका फ्लेवर क्या है। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्वांटिटी है नॉन वेज फ्राइड राइस की। जैसा कि हमने ये आप देख सकते हैं वेज फ्राइड राइस हम खा रहे हैं और हम इसका आपको रिव्यू देंगे कि ये फ्राइड राइस। और आप चिकन चंक्स भी देख सकते हैं, काफ़ी चिकन चंक्स की क्वांटिटी है यहाँ पर। और इसकी जो कॉस्ट थी मैं आपको बता दूँ 169 रुपीज़ थी ओनली और विदाउट टैक्स। विदाउट इस पर जो टैक्स लगता है वो 5% का टैक्स लगता है, ठीक है। और हम इसकी टेस्ट बताते हैं, टेस्ट कैसा है इसका। बढ़िया है, मस्त है, एक बार आपको भी आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, बढ़िया है। और चिकन की बात करें तो चिकन चंक्स यहाँ पे अच्छे खासे हैं, आप देख सकते हैं इस फ्राइड राइस में, और क्वांटिटी बहुत अच्छी है और टेस्ट भी बढ़िया है। ऐसा नहीं कि टेस्ट खराब है, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और आप भी आइए और टेस्ट कीजिए और बताइए कर सकते हैं मुझे। अगर आप यहाँ पर आ रखे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बताइए, ठीक है। अब जो आप जो देख रहे हैं वो वेज मैगीज देख रहे हैं, तो अब हम इसका रिव्यू करने वाले हैं मैगी का और बताते हैं हम इसका मैगी का टेस्ट कैसा है। और इसकी जो कॉस्ट हमें पड़ी थी 99 रुपीज़ और विदाउट 5% GST। ओवरऑल इज़ गुड, बढ़िया, मस्त कह सकते हो। आओ विज़िट करो और इन्जॉय लो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का जो एम है सिर्फ 50 लाइक का एम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही। और मार्शमैलो रेस्टोरेंट आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं मुझे। बस आज के लिए बस इतना ही।